अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके लिए एक डिश लेके आई हूँ जो चिकन का है। चलिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका नाम आप जानते हो, ये चिली गार्लिक सॉस विंग्स है जो स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं, देन आप चाहे तो आप इसको मेन कोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम बनाएंगे चिली गार्लिक विंग्स, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनता है। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिकन विंग्स को। मैंने विंग्स हाफ किलो जितना मैंने विंग्स लिया है 500 ग्राम्स, इसको मैंने थोड़ा सा वॉश किया अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मैंने क्लीन करके वॉश करके रखा है। चलिए अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। ये हमारा चिली गार्लिक विंग्स है, इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो आप सॉसी बना सकते हैं या फिर फुल टोटली ड्राई बना सकते हैं। चलिए मैं हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। चलिए हल्दी ऐड किया हमने, सेम हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, देन हाफ टी स्पून जितना हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश ब्लैक पेपर है तो आप उसको कूट के डाल सकते हैं क्रश करके, अदरवाइज आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, देन हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इसको थोड़ा हम हाथ से क्रश करेंगे 1 टेबल स्पून जितना, इसको अच्छे से क्रश करेंगे, देन विल ऐड इन टू दिस। अब हम इसमें हाफ या 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें वेनेगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। एक अंडा इसमें हम डालेंगे, यस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम अपने हाथों से, इस तरह से आराम से इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इट, अच्छे से मिक्स करना है आपको, ताकि इसका जो मैरिनेशन है सारे मसाला इसके अंदर चला जाए, पूरी तरह से इसको कोट हो जाए। चलिए मैंने इसमें मिक्स किया है अच्छे से, पर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। हमें और ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम आराम से। इसको हम चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में, एज योर विश। आप चाहे तो ये ऐसे ही स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, स्टार्टर की तरह खा सकते हैं। अगर आपका आपको अगर सॉस वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसी तरह से इसको डीप फ्राई करके इसको इसी तरह से स्टार्टर में ले सकते हैं। ये अब ये मिक्स हो चुका है, अभी अच्छे से इसको मैरिनेट करने के लिए हम 10 मिनट रखेंगे, देन हम इसको इसकी फ्राइंग प्रोसीजर करेंगे। चलिए मैंने अभी एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसको हम अब गर्म करने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से गर्म होना है, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है ताकि ये डीप फ्राई नहीं करनी है।
चलिए, इसलिए हम उस हिसाब से हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। डीप फ्राई करेंगे तो बहुत सारा ऑयल यूज़ होगा, देन वो ऑयल फ्राई करने के बाद में वेस्ट हो जाएगा। कभी कभार रेगुलर यूज़ नहीं होता है तो काफ़ी टाइम तक हमें रखना सेफ नहीं होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि हम शैलो फ्राई करें, ताकि इसी का जो ऑयल रिमेनिंग हो जाए रहेगा, उसी को हम अपना जो सॉस जैसा बनाते हैं उसमें ऐड करेंगे। चलिए, ऑयल गर्म हो चुका है, अपनी मैरिनेशन भी काफ़ी टाइम से मैरिनेट हो रहा है। आप अगर चाहे तो ज़्यादा वक्त भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितने लॉन्ग टर्म आप मैरिनेट करोगे उतनी टेस्ट आ जाएगा। चलिए आराम से हम डालेंगे, बिस्मिल्लाह। हमें इससे ज़्यादा ओवर नहीं डालना है इसमें, इसको थोड़ा स्पेस रखना है हमें, पूरी तरह से फिल नहीं करना है हमें कढ़ाई को। बस हम इसमें चाय ऐड करेंगे ताकि ये आराम से हो जाए। इसे हम जैसे पैन में ऐड करें, हमें इसे छूना बिल्कुल नहीं है। इसको एटलीस्ट 1 मिनट तक हम इसको छोड़ेंगे, लेट इट बी देयर, देन इसके बाद हम इसको पलटेंगे। अभी ये 1 मिनट हो चुका है, इसको हम आराम से पलटेंगे। आप देख सकते हैं, आप फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए और आराम से, वही ये करते वक्त आप थोड़ा अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखिए। ये तकरीबन वन बैच, ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये कुक हो जाएगा। हमें फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। चलिए, ये अब हो चुका है, इसको हम आराम से निकालेंगे। हमें इस तरह से क्रिस्पी बनाना है, इसको हम साइड में निकालेंगे, देन नेक्स्ट बैचेस हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से आपको पूरी विंग्स फ्राई करनी है। आप देख सकते हैं ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट बैच ऐड कर दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी बन चुका है, आप चाहे तो इसी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, मैंने पूरे विंग्स निकाल दिए हैं इसमें से। अभी ये जो लेफ्ट ओवर ऑयल है, इसी में हम इसका ज़रा मसाला बनाएंगे, जैसे सॉस टाइप। काफ़ी गर्म है, मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक 1 टेबल स्पून जितना। ये चिली गार्लिक विंग्स है, इसमें ज़रा विंग्स में फ्लेवर मोस्टली गार्लिक का ही आएगा। इसको हम इस तरह से टॉस करेंगे, गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होगा इसमें। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है गार्लिक की। देखिए गार्लिक की खुशबू बहुत अच्छी है। इसमें हम इसमें ऐड करेंगे आप, मैंने एक ऑनियन लिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा इस तरह से रफली चॉप किया है। आप चाहे तो इसमें बारीक भी काट के डाल सकते हैं स्मॉल डाइसेस में, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसको इसी तरह से डालूंगी। इसको भी हम थोड़ा सा इसमें सॉटे करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल और ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, उसी में मैंने इसको फ्राई किया है। इसको हम 2 मिनट तक जस्ट फ्राई करेंगे। चलिए, अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमें थोड़ा सा वेनेगर। वेनेगर हमें थोड़ा सा टैंगीनेस मिलना चाहिए। यस, बहुत ही अच्छा। हम इसमें ऐड करेंगे
रेड चिली पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से लिंक देख के आप इसको रेसिपी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें इसको मिक्स करना है ताकि ये जो विंग्स है इसमें कोट हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस, देन सोया सॉस एंड रेड चिली सॉस। ये हम 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे। हमें स्पाइसी चिली गार्लिक विंग्स है ये हमारा, इसमें सोया सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे। सोया सॉस की क्वांटिटी थोड़ा कम होगा। वाओ, बहुत अच्छी लग रहा है इसमें। इसको हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि ये जो स्पाइसीनेस है इसको एक पंच दे। दैट्स ऑल। थोड़ा खट्टा, मीठा, तीखा, और शुगर की वजह से ये जो हमारा ग्रेवी है या मसाला है इसमें एक शाइन आ जाएगा, आप देख सकोगे। इसको 2 मिनट तक कुक करना है बिल्कुल। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। इस तरह से हमें ऐड करना है। चलिए, अब ये बन चुका है मसाला। हम इसमें विंग्स ऐड करेंगे। काफ़ी टेस्टी और बहुत ही चटपटा लग रहा है। आप चाहे तो क्लोज लुक देख सकते हैं। अब इसमें हम विंग्स अपने फ्राइड किए हुए डालेंगे। इस तरह से इसको हम बस जस्ट कोट कर देंगे। इस तरह से हमें इसे जस्ट कोट करना है। ये स्पाइसी गार्लिक, चिली गार्लिक विंग्स है। अब इसको इसी तरह से सर्व करना है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस इसकी डेकोरेशन के लिए एंड फिनिशिंग टच के लिए। देन हम इसमें थोड़ा सा सेसमी सीड ऐड करेंगे। अब ये लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना है। आप इसको ट्राई कीजिए अपने घर में। अगर इस तरह से डिश बनेगी तो आपको फिर रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलो, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।